हेलो गाइस, गैदरी पे रियलमी 7 प्रो के लिए फाइनली यहाँ पे अक्टूबर मंथ का जो अपडेट है वो यहाँ पर अलॉट हो चुका है 8.17 वाला। और ये जो अपडेट ये बेसिकली कैमरे और सिस्टम को लेकर ही प्रोवाइड किया गया है। आई मीन जो सिस्टम के ऊपर छोटे मोटे बग्स थे उसे इस अपडेट के अंदर फिक्स किए गए, प्लस कैमरे को यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कैमरे के ऊपर क्या कुछ आपको इस अपडेट के बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे और सिस्टम के ऊपर क्या कुछ छोटे मोटे बग्स थे जिसे इस अपडेट के अंदर यहाँ पे फिक्स किए गए। लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ, अगर आपने अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले अक्टूबर 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट मिल जाता है। प्लस यहाँ पे कैमरे वाले सेक्शन पे देख सकते हो ऑप्टिमाइज द ओवर एक्सपोजर ऑफ द फ्रंट कैमरा। आई मीन जैसे अगर आप लोग फ्रंट कैमरे से कोई भी सेल्फी वगैरह क्लिक कर रहे हो तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती थी, जिसके वजह से ओवर एक्सपोजर जो था वो आपके सेल्फी के ऊपर देखने को मिलता था। तो उसे यहाँ पे फाइनली फिक्स कर दिया गया इस अपडेट के बाद। हालांकि मेरे को भी अभी तक अपडेट नहीं मिला है, पता नहीं क्यों नहीं मिला है, बट मेरे को पता है कि कुछ दिनों के अंदर मेरे डिवाइस में भी अपडेट जो है वो रिसीव हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो ऑप्टिमाइज द कलर शिफ्ट ऑफ द रियर कैमरा। आई मीन रियर कैमरे के ऊपर कलर को यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया। आई मीन कलर जो थी वो नेचुरल से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी, तो मेरे ख्याल से उसे ही यहाँ पे इस अपडेट के अंदर ऑप्टिमाइज किया गया है। एंड ऑप्टिमाइज द डायनेमिक रेंज ऑफ रियर कैमरा इन 64M मोड। आई मीन अगर आप लोग 64 मेगापिक्सल से डायनेमिक रेंज वाली इमेज लेते हो तो वहाँ पे भी हम सभी को थोड़ा सा ओवर लाइटिंग इशू जो थी वो हमें देखने को मिलती थी और शैडो वगैरह भी परफेक्ट नहीं आती थी। तो उसे ही यहाँ पे इस अपडेट के अंदर फिक्स किया गया है 64 मेगापिक्सल के डायनेमिक रेंज वाले इमेज के ऊपर। एंड सिस्टम के ऊपर आते हैं तो ऑप्टिमाइज द मैक्सिमम ब्राइटनेस व्हेन प्लेइंग वीडियो। आई मीन अगर आप लोग वीडियो प्ले कर रहे हो तो वहां पे जो आपको ब्राइटनेस मिलती है उससे यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है। एंड फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू दैट द स्क्रीन डिम आफ्टर फिंगरप्रिंट अनलॉक इन आउटडोर सनराइज। आई मीन जैसे ही फिंगरप्रिंट से अपने फोन को अनलॉक कर दो तो कुछ सेकेंड तक स्क्रीन डिम की जो इशू है वो आपको देखने को मिलती थी, तो उसे यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। इसके बाद फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू ऑफ अनेबल टू फास्ट चार्जिंग इन सम सिनेरियोज। आई मीन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के ऊपर कुछ इशूज देखने को मिले थे जिसे इस अपडेट के अंदर यहाँ पे फिक्स किया गया। हालांकि अपडेट आने के बाद मैं आपको अपडेट करके फुल रिव्यू करके एक वीडियो लेकर आऊंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या कुछ बग्स था और क्या कुछ बग्स यहाँ पे इस अपडेट के अंदर फिक्स किया गया। तो अपडेट जैसे ही मेरे डिवाइस में आ जाता है, अभी तो फिलहाल रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को पता है कि 2-4 दिन के अंदर अपडेट जो है वो मेरे को रिसीव हो जाएगा। और अगर आप लोगों में से किसी को भी अपडेट मिल चुका है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।